नमस्कार सब बच्चों को। एक बार फिर से हम आए हैं सेकंड क्लास लेकर, चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन की। ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसकी आज हम सेकंड क्लास करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो फर्स्ट क्लास है वो देख ली होगी और उसको अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है पहले, तो पहले वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, उस पर जाकर फर्स्ट क्लास देखें और फिर उसके बाद सेकेंड क्लास जो है फिर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो सभी बच्चे रेडी हो जाएं कॉपी और पेन लेकर। तो साथ साथ मैं लिख रहा हूं तो आप कॉपी पर अपने जो है वीडियो को पॉज कर कर नोट्स बनाते रहें, तो आपको अच्छी तरह से नोट्स समझ में आ जाएंगे, तो एग्ज़ाम के लिए आपके बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो पहले मैं फ़र्स्ट क्लास का जो है, जो पहले हमने फ़र्स्ट क्लास की है उसका थोड़ा सा रिव्यू बताऊँगा आप लोगों को। जो हमने फ़र्स्ट क्लास की थी, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, तो फर्स्ट क्लास के अंदर हमने सॉल्यूशन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हो सकते हैं। हमने उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किए थे, अलग अलग टाइप के, जैसे बाइनरी होते हैं, एक्वस नॉन एक्वस हो सकते हैं, और मेन जो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में 9 टाइप्स के सॉल्यूशन थे, उनमें से एक दो मैं इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ। एक होता है सॉलिड इन लिक्विड, जो सबसे कॉमन होता है, तो ये डिपेंड करता है सॉलिड लिक्विड और गैसेज, तीन हमारे पास फिजिकल स्टेट होती हैं उसके ऊपर। एग्जाम्पल पर एक होता है सॉलिड इन लिक्विड, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सॉलिड इन लिक्विड हम कई बार पढ़ते हैं, और एक होता है लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड एंड सॉलिड के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे। इसके एग्जांपल क्या होते हैं लिक्विड एंड सॉलिड के? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। क्या एग्जांपल होते हैं इसके? हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे मोहर सॉल्ट। मैंने आप लोगों को कहा था मोहर सॉल्ट के बारे में इसके और एग्जांपल देने हैं। मोहर सॉल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, ये टाइट्रेशन के अंदर यूज़ होता है आप लोगों की प्रैक्टिकल के अंदर। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस है तो क्या हो जाएगा? FeSO4। अमोनियम है तो क्या हो जाएगा? NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। इसमें दो सॉल्ट हैं, दो सॉल्ट का मिक्सचर है, फेरस सल्फेट का और अमोनियम सल्फेट का। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डबल सॉल्ट। इसको हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट कहते हैं। तो ये डबल सॉल्ट होता है। सॉलिड इन लिक्विड के तो सिंपल ही एग्जाम्पल हैं, जैसे शुगर इन वाटर और हमारे पास सॉल्ट इन वाटर। एक हमने पढ़ा था कल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स। जब हमने सॉल्यूशन बना लिया तो उसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं हम परसेंटेज में। परसेंटेज तीन टाइप का होता है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जो हमने कल कर लिया था। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। देन इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के यूनिट होते हैं ग्राम पर, मीन्स ये क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और कल मैंने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई थी, 1 ml और 1 cm³ एक ही बात होती है, और 1 L और 1 dm³ एक ही बात होती है। और मैंने कहा था 1 m³ जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1000 L के। स्ट्रेंथ के अलावा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 L ऑफ सॉल्यूशन होता है। इसके अलावा हमने मोलैरिटी के अलावा पढ़ा था मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी MOLALITY, मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें ऊपर वाले में मोलैलिटी में 1 L ऑफ सॉल्यूशन होता है, नीचे वाले में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। तो लीटर की जगह kg आ गया, सॉल्यूशन की जगह क्या आ गया? सॉल्वेंट आ गया। तो ये इतना हम कल डिस्कस कर चुके थे, मैंने बाकियों के न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। एक मोलैलिटी का न्यूमेरिकल रहता था, तो आज हम शुरू करेंगे मोलैलिटी के न्यूमेरिकल से। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलैलिटी के ऊपर एक न्यूमेरिकल। तो ये है न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 6 g ऑफ यूरिया इन 200 g ऑफ वाटर। तो ये हमने इसको अब करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 g ऑफ यूरिया, सबसे पहले यूरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। यूरिया क्या होता है? 3 बातें इसमें यूरिया के बारे में पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, फॉर्मूला इज NH2CONH2। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करोगे
मॉलिक्यूलर मास कल बताया था आप लोगों को 60 आ जाएगा। यूरिया बहुत इम्पोर्टेंट सल्यूट है, इसको याद रखना है। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, 60। अब देखो हमें क्या क्या कुछ गिवन है, मास ऑफ सल्यूट गिवन है, कितना है मास ऑफ सल्यूट, 6 ग्राम। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 200 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आ ही गया। हमने मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, और मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने कल आप लोगों को बताया था, क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आ जाएगा नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्यूट कितना गिवन है, 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 60 इनटू 1000 डिवाइड बाय 200। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारे पास 0 कट गई, 6 कट गया, 2 0 ये कट गई, 1/2 आ गया। 1/2 मीन्स 0.5, और यूनिट क्या होंगे, 0.5, या तो स्मॉल एम, स्मॉल एम मीन्स मोलल, या फिर मोल्स पर केजी, मोल पर केजी। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। इन सभी की डेफिनेशन एग्ज़ाम के अंदर आ जाती है, चाहे वो स्टेट बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजोल्ड इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन। तो ये क्या है, मोलैरिटी में, और इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। सिमिलैरिटी क्या है, उसमें भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें भी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आता है, तो नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकालते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे, गिवन मास यानी मास ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, इसकी डिटेल में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक। तो 1000 × 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, अब 1000 कहाँ से आ गया, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम किस में ले रहे हैं, एमएल में ले रहे हैं। तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग यूनिट क्या बन जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, क्या बन जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जिसको हम क्या लिख देते हैं, केजी लिख देते, सॉरी नॉर्मल लिख देते हैं, एम नॉर्मल एन। तो ये नॉर्मेलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो इसमें इक्विवेलेंट मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इसकी मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो हमें +2 में यहाँ पर भी ज़रूरत है, केवल मैं उतना उतना बताऊंगा आप लोगों को भी, इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे निकालते हैं और बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे इक्विवेलेंट मास एसिड का कैसे कैलकुलेट करना है और बेस का कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, हमने किसका इक्विवेलेंट मास, अब इक्विवेलेंट वेट लिख लो, इक्विवेलेंट मास लिख लो, केमिस्ट्री में मास और वेट केमिस्ट्री में सेम होता है, फिजिक्स में डिफरेंट होता है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड क्या आता है, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। नोट करने वाली बात है, एसिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिसिटी डिवाइड बाय क्या है, बेसिसिटी। अब ये बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एच, ये नहीं कहा मैंने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स या हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट, मैंने कहा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, भी किसी मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं। एग्जांपल है HCl में तो एक हाइड्रोजन है, एक ही रिप्लेस होगा,
तो HCl की हमारे पास बेसिसिटी 1 आ गई, H2SO4 में 2 है तो उसकी बेसिसिटी 2 आ गई, H3PO4 इसमें 3 हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकते हैं, इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई, 3 आ गई, H3PO3 इसकी बेसिसिटी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये नोट करना है H3PO3 दोनों में, H3PO3 में 3 हाइड्रोजन है लेकिन ये सभी रिप्लेसेबल नहीं है, रिप्लेसेबल कितने हैं, 2, तो H3PO3 की बेसिटी कितनी है, 2, और H3PO4 की बेसिटी कितनी है, 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये पी ब्लॉक में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आता है। H3PO4 को हम कहते हैं ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड, या अकेला फोस्फोरिक एसिड भी लिख देते हैं, फोस्फोरिक क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, और H3PO3 क्या होता है, फोस्फोरस एसिड, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, तो इसका रीज़न होता है इनकी स्ट्रक्चर पर। ये मैं दोनों स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, H3PO4 की स्ट्रक्चर है ये, नीचे H3PO3 की स्ट्रक्चर है, एक O का फ़र्क है तो बीच में से एक O हमने हटा दिया। अब देखो बेसिसिटी क्या होती है, रिप्लेसेबल कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है। हाइड्रोजन कौन सा रिप्लेस होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऊपर वाले में 3 और नीचे वाले में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसीलिए H3PO4 की बेसिसिटी कितनी है, 3, और H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है, 2। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पर, किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर। तो चलो हम इक्विवेलेंट मास निकालते हैं HCl का, ऊपर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 36.5 डिवाइड बाय बेसिसिटी कितनी है, 1। चलो इसको रब कर दोबारा से लिखते हैं, एक बार फिर से और एग्जांपल करते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैंने अभी किया था इक्विवेलेंट मास या वेट ऑफ, एक ही बात है HCl, HCl 36.5 डिवाइड बाय 1। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हमने कल किया था 98, H कितने हैं, 2 हमने अभी किया है, बेसिसिटी कितनी इसकी, 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO4 कितना आ जाएगा, इसका भी मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका, 98 होता है डिवाइड बाय 3। H3PO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 98 नहीं आएगा, अब एक ऑक्सीजन कम हो गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, फॉस्फोरस का एटॉमिक मास 31, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 48, तो इनको कैलकुलेट करो, ये क्या आ गया, 72, कितना आ गया, 82 आ जाएगा, कितना आ गया, 82 डिवाइड बाय 2, ये पॉइंट नोट करना है, डिवाइड बाय क्या आएगा, 2। तो एसिड के लिए डिवाइड बाय हम क्या करते हैं, बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, और H3PO3 के अंदर हाइड्रोजन कितने रिप्लेसेबल हैं, 2, और H3PO4 में कितने हैं, 3। तो ये दोनों ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड और फोस्फोरस एसिड याद रखना है। अब हम करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, किसका मास करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस हमने अब करना है, तो ये क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। तो अब एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी होगी रिप्लेसेबल OH, तो किसी मॉलिक्यूल में कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसकी एसिडिटी कहलाती है, बेस की एसिडिटी कहलाती है। मैं इसके ऊपर एक और बढ़िया एग्जांपल दूंगा, ये एक्चुअल में एसिडिटी और बेसिटी उल्टा क्यों यूज़ करते हैं, ये अलग से बताऊंगा मैं आप लोगों को। एग्जांपल में देखो NaOH में कितने OH हैं, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी है, 1, NaOH की एसिडिटी कितनी है, 1। अब ऐसे करते हैं CaOH की बजाय ना यहीं पर हम इक्विवेलेंट मास भी निकाल लेते हैं, तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 40 डिवाइड बाय 1। NaOH की बेसिसिटी जो सॉरी एसिडिटी जो है वो 1 होने के कारण इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सेम, इसीलिए इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू क्या आएगी, सेम, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH ट्वाइस,
इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर मास कितना है, 40 प्लस 34 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2। तो इसकी एसिडिटी 2 है, एसिडिटी कितनी आएगी, 2, 1 नहीं है, 2। 74 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 37। इसको करेक्ट कर लो। अल्मीनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, एसिडिटी कितनी आ जाएगी, 3। OH कितने हैं, 3, तो एसिडिटी कितनी आएगी, 3। इक्विवेलेंट मास कितना आ गया, 27 एटॉमिक मास Al का। OH का आ जाएगा 17 इंटू 3, 51 डिवाइड बाय 3। इसको अपने आप कैलकुलेट कर कर मेरे को बताओ। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मास का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पर, और डिवाइड बाय या तो एसिडिटी होगा या फिर बेसिसिटी। तो ये न्यूमेरिकल करते हैं एक, हम हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिजोल्विंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। तो हमें 4.9 ग्राम क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट। और H2SO4 का इक्विवेलेंट मास हमने अभी अभी निकाला था, क्या होता है इक्विवेलेंट मास, मोलिकुलर मास 98 डिवाइड बाय, मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी, क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो 98 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 49। तो ये याद रखना है, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है 20 ml दे रखा है, सॉरी गिवन है, 20 ml गिवन है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, पहले कर चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास आएगा, डिवाइड बाय क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम किस में लेना है, ml में, किसमें, ml में। मास ऑफ सॉल्यूट इज 4.9 डिवाइड बाय 49 इंटू 1000 डिवाइड बाय 250, ये 4 पर गया, ये 10, यानी 0.4 नॉर्मल, यूनिट के आगे 0.4 नॉर्मल। तो किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, तो मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। स्टार्ट, अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स से। अब डेफिनेशन देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी उस कंपोनेंट के हम नंबर ऑफ मोल लेंगे ऊपर, जिसकी भी हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है, टू, यानी डिवाइड बाय क्या करेंगे, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जितने सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल से। यहां पर देखो मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं, हमने पहले पढ़ा हुआ है बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट, ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है, यानी सॉल्वेंट हमारा नंबर वन है, इसको हम ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ बुक्स में वन लिख रखा है, कुछ बुक्स में ए लिख रखा है। मीन्स क्या है कि अगर मान लो हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं सॉल्वेंट के, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एन वन या फिर एन ए से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो एन वन या एन ए से। सिमिलरली सल्यूट को हम यूजली क्या लिखते हैं, बी एन बी या टू लिख देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं तो एन बी या फिर एन टू से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास मतलब हम जनरली ऐसे यूज़ करते हैं, कुछ बुक्स में वन और टू यूज़ कर रखा है, कुछ बुक्स में ए और बी यूज़ कर रखा है, याद ऐसे कर लेते हैं, अभी सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए वन लेते हैं या ए लेते हैं। अब सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है एक्स ए, किसी भी की मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, जितने उसके नंबर ऑफ मोल है, ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो ए के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। ये हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं।
तो एक्स बी किसके इक्वल आ जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो जो नंबर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को प्लस कर दो, लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दी, राइट हैंड साइड अलग से प्लस कर दी, तो ये बन जाएगा वन। मीन्स एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। इसका हमें बेनिफिट होता है कि अगर हमें एक के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो दूसरे के हम निकाल सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं टर्नरी सॉल्यूशन का, मींस जिसमें थ्री कंपोनेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन का हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें थ्री कंपोनेंट्स हो। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास थ्री कंपोनेंट के सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं। मान लो थ्री कंपोनेंट्स है ए बी एंड सी। अगर हमने ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वो आ जाएगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और अगर एन एक्स बी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो वो आ जाएगा एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और अगर सी की मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और सभी को प्लस करेंगे, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी किसके इक्वल आ गया, वन के इक्वल आ गया। और एक और बात नोट करने वाली है, यूनिट क्या होंगे इसके मोल फ्रैक्शन के, नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ऊपर भी नंबर ऑफ मोल्स नीचे भी नंबर ऑफ मोल दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते हैं। तो एक और हमारे पास एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है, रीड करते हैं इसको। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन वन मोल ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन फोर मोल्स ऑफ वाटर। यानी वाटर के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं एन ए, कितने दे रखे हैं फोर, और सल्यूट यानी शुगर के नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है। शुगर के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एन बी कितना है वन, पर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है ए की। यानी एक्स ए क्या आ जाएगा, अभी फॉर्मूला लिखा है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी फोर अपॉन फोर प्लस वन, यानी 4/5, 0.8 क्या आ गया, 8। ऐसी बी के मोल फ्रैक्शन निकालनी है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कितना आ गया 1/4 + 1, कितना आ गया 1/5, 0.2। अगर हमने एक्स ए निकाल लिया तो हम एक्स बी ऐसे भी निकाल सकते हैं, सीधा ही 1 - xA यानी 1 - 0.8, 0.2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको रीड करो। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन 6 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अपने आप ट्राई कर देखो। यहाँ पर देखो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये हमें ग्राम में दे रखा है, ये हमें यूरिया का दे रखा है, मास दे रखा है यूरिया का एम बी, कितना दे रखा है 6 ग्राम। इट मीन्स हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास 6 है और मोलिकुलर मास 60 है यूरिया का। तो यूरिया का क्या होता है, NH2CO, NH2 पहले बताया था, तो मोलिकुलर मास क्या बन जाएगा 60, 0.1। एन बी कितना आ गया 0.1। वाटर का मास हमें कितना गिवन है 90 ग्राम, वाटर कितना गिवन है 90 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे वाटर के, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास 90/18। वाटर क्या होता है H2O, तो 90/18 क्या आ गया 5। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो एक्स ए क्या आ गया एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो वैल्यूज पुट कर दो, एन ए कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ए के कितने हैं 5/5 + 0.1, तो ये क्या बन गया 5/5.1। तो इसको अपने आप सॉल्व कर लो, और ऐसे ही एक्स बी निकाल लेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, 0.1/5 + 0.1 कितना आ गया 0.1/5.1। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये बात नोट करनी है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो
तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट मेथड, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम PPM लिख देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। और मैंने कल भी बताया था 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख मीन्स 10 रेज टू पावर 6। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो पार्ट्स पर मिलियन इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ पार्ट्स बाय मास, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास, वॉल्यूम भी हो सकता है वैसे यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ वन कंपोनेंट। वन कंपोनेंट ज़्यादातर क्या होता है, सल्यूट, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सल्यूशन। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ क्या आ जाएगा, सल्यूशन। वॉल्यूम भी हो सकता है, तो PPM क्या हो गया, परसेंटेज में और PPM में बहुत सिमिलैरिटी है, उसमें भी ऊपर मास नीचे मास, ऊपर सल्यूट नीचे सल्यूशन। लेकिन देखो परसेंटेज भी हम ऐसे निकालते हैं ना, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सल्यूशन, लेकिन उसमें इंटू 100 करते थे, इसमें इंटू क्या करेंगे 6, क्योंकि वो पर सेंट था, सेंट मीन्स 100 और ये है मिलियन, पर मिलियन, मिलियन मीन्स 10 रेज टू पावर 6। और इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें नोट करने वाली हैं, दिस इज यूज्ड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्मॉल, जब कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन हम तब यूज़ करते हैं जब सॉल्यूशन बहुत ही कम क्वांटिटी में, नहीं तो हम परसेंटेज यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें आउट ऑफ 100 था, इसमें आउट ऑफ 10 लैक हो गया। हार्डनेस ऑफ वाटर अगर हमने मेज़र करनी हो तो वो किससे मेज़र करते हैं, किस में मेज़र करते हैं, PPM में। पॉइजनस गैसेस की कंसंट्रेशन हमने मेज़र करनी हो इन एयर, तो वो भी हम किस में मेज़र करते हैं, PPM के अंदर। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं, PPM के अंदर मेज़र करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने सभी कंसंट्रेशन कर लिए, पार्ट्स पर मिलियन हो गया, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे PPM के ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो जो मेन थे, परसेंटेज होगी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये हमने कर लिया। तो चलो हम लास्ट में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी के अंदर हमने इक्विवेलेंट मास पढ़ा, और इक्विवेलेंट मास हमने एसिड का पढ़ा, और इक्विवेलेंट मास हमने किसका पढ़ा, बेस का कैलकुलेट करना पड़ा। वैसे एक और होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया। तो एक होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, अब देखो सॉल्ट में आयन होते हैं, मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, तो सॉल्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, क्या होता है उसमें, फॉर्मूला यूनिट मास होता है, क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास डिवाइड बाय एसिडिटी और बेसिडिटी, में क्या था पहले एसिड बेस में एसिडिटी और बेसिडिटी, इसमें होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, वैसे टोटल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, किसी भी सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे। एग्जांपल देखते हैं, अगर हमने कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5, क्योंकि Na का 23 होता है और Cl का 35.5, डिवाइड बाय पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो डिवाइड बाय क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 58.5 आ गया। इक्विवेलेंट मास अगर हमने कैलकुलेट करना हो कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 का, तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 और क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन है तो क्या आ जाएगा, 35.5 × 2 डिवाइड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है, 2, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, 2 ही होगा। एक है इक्विवेलेंट मास ऑफ अल्मीनियम सल्फेट, अल्मीनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, तो ये मैं नहीं लिखूंगा, ये आप लोगों ने अपने आप करना है, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि Al2SO4 थ्राइस का इक्विवेलेंट मास क्या होता है। अल्मीनियम सल्फेट का फॉर्मूला आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है, अल्मीनियम सल्फेट होता है Al2SO4। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, PPM, और एक मोल फ्रैक्शन स्टडी किया था, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते, और XA+XP क्या होता है, 1, और लास्ट में हमने PPM पढ़ा था। तो
चलो ppm यहाँ पर नीचे आ गया, तो इसको मैं ऊपर ले देता हूँ, ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो आज हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए जो है वो किए, जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये हमने पढ़े विद न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे आप नोट्स बनाओ इसके, इसको अच्छी तरह से रीड करो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? तो तब तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, नोट्स अच्छी तरह से बनाओ, बुक में से रीड करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।